तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी बिल्लो के अंदर मॉडिफिकेशन तो हो रही है, उसके साथ में हम क्या लगवाने जा रहे हैं भाई साहब? एग्जॉस्ट। हाँ जी, क्या लगवाने जा रहे हैं? एग्जॉस्ट लग रहा है, सही में जैसे इसमें लगा है। ये देख लो इसके अंदर भी एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इस बाइक की गाड़ी में नहीं है ना, वो डीजल है। डीजल है, कोई दिक्कत नहीं, डीजल में भी लग जाएगा। अपनी हायाबुसा से कम थोड़ी ना भाई, है ना, उड़ते जाएगी, धर्राटे काटते हुए। तो गाइस, अभी हम जाएंगे गरजोत भाई के पास में, जो कि है सिपी के अंदर। तो अभी हमारी गाड़ी के अंदर थोड़ा काम हुआ है, थोड़ा काम रह गया, तो हम क्या सोच रहे हैं कि इसी के अंदर वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट भी, वो भी हम लगवा लें, क्योंकि जब लक्ष्य मेरे साथ में निकलता है मेरे को अलग ही लेवल का एक मजा आता भाई। चुल होती है अंदर से, ओए क्या एग्जॉस्ट। मेरे तो डीजल है, मैं लगवा नहीं सकता, दिक्कत ही है। बट डीजल में भी लग जाता है, बट आवाज नहीं आती ना, आवाज नहीं आती, वही दिल के। अभी इसमें लगेगा, पता लग जाएगा भाई साहब, दिल्ली की पहली बलिन होने वाली है, जिसमें इतनी हाईली मॉडिफिकेशन हो रही है। लक्ष्य फोन पे बात करने में लगा पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट बलिनो है कि जिसके अंदर आगे इतना कुछ हो रखा है, मतलब फ्रंट से देखने में पहली बात तो लगती नहीं कि बलिनो है। बलिनो है भाई साहब, भी देख के हैरान। अभी तो मैंने देखी नहीं, देखी नहीं, मैंने अभी देखी नहीं आगे से। पहले वाला लुक देखा था, पहले वाला देखा था जिसमें आगे विंग्स वगैरह साइड पे लगा रखे और आगे भाई का लाइव रिएक्शन लेंगे कि क्या होगा। तो भाई फोन पे लगा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं भाई को, भी भाई का फोन कट गया। तो इसका हम लोग लाइव रिएक्शन लेने वाले हैं। इसके मेरे मैंने देखी नहीं ना आगे, अच्छा वो अच्छा गाड़ी का, गाड़ी अपनी खड़ी हुई है सामने की तरफ और अपन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अभी भाई का देखेंगे कि क्या रिएक्शन रहने वाला है। मैंने वीडियोस में देखे, बट इन रियल फर्स्ट टाइम देखने वाला हूं। कोई बात नहीं, गाड़ी तो सामने है, क्या दिक्कत आ रही है, जब चलती फिरती गाड़ी सामने आ रही है। ये तो ड्राइविंग हो गई, ड्राइविंग होगी बड़ी तगड़ी वाली। ओ सर का रिएक्शन, यहाँ पे बैठ जाएगा कोई? हाँ भाई साहब बिल्कुल, बड़ी प्यारी लग रही है, लगी नहीं रही बलिनो पहली बार। अब इसके ऊपर क्या था, रबिंग वगैरह का काम था, वो चल रहा था, हमने सोचा कि भाई वो करवाएंगे बाद में, एग्जॉस्ट का काम है पहले। लक्ष्य मेरे को बोला भाई जल्दी से चलो चलो चलो, चलते हैं भाई अब गाड़ी के अंदर और मिलते हैं आप सबसे गरजोत भाई के पास में। तो पहुंच चुके हैं साइलेंसर हाउस, अभी हमारी गाड़ी है ऊपर चढ़ चुकी है। तो ये रहा अपनी गाड़ी का बैंड पाइप, इन निकल चुका है पूरा, इसके अंदर कैटेलिक कन्वर्टर है, एक एरा कैटेलिक कन्वर्टर, दूसरा कैटेलिक कन्वर्टर हमारा यहाँ पर आ जाता है, तो ये हमारी जो साउंड है उसको कम करता है। तो अब हमारा क्या हो गया, बिना बैंड पाइप वाली गाड़ी हो चुकी है, और जो हमारा जो मेन असेंबली स्टार्ट होती है वो होगी हमारी यहाँ से स्टार्ट, और यहीं से देन होते हुए जाएगी, तो यहाँ से होते हुए हमारा वेल्वेट्रॉनिक लगेगा इधर की तरफ। अब आप लोगों को पता है मैंने इसके अंदर किस तरीके की प्लानिंग कर रखी है। हाँ जी, किस तरीके यार, ऊपर कौन चढ़ेगा यार, नीचे उतार दे इसे। अरे ना यार, तू भी यार भैया उतार दो नीचे। अच्छा क्या कहता है वो चेतक आता था बजाज चेतक, वैसी आवाज आएगी। भाई समोसे लेकर आ रहा हूँ, आज खा लो। चलो चलो, मैं एक ही खाऊंगा यार, वो एम्बुलेंस करके आ रहा हूँ मैं। भाई कितने खाएगा लक्ष्य? खा के आए हो, उठा लो फिर, एक एक उठा लो। क्या हुआ? ये क्या है? एक एक समोसा खाना फिर। ये तो मैं 15-20 खा जाऊं एक ही बार में, ये तो मजाक कर दिया आपने, ये तो मजाक हो रहा है, ये 150-300 खा जाऊं मैं। तो ये है सबसे छोटा समोसा पूरे विश्व भारत का है भाई। अंकल ऐसे समोसे कहाँ से बनाने चाहिए अंकल आपने? ये अंकल के समोसे देख लो भाई, बहुत छोटे से समोसे हैं ये। अब खा के देखेंगे इनका टेस्ट, देखेंगे कैसा है। क्यों पाजी? पाजी तो व्लॉग में लगे पड़े हुए, ठीक है भाई साहब। चलो भाई, फाइनली अपनी गाड़ी के अंदर जो एग्जॉस्ट है वेल्वेट्रॉनिक है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस वेल्वेट्रॉनिक होती है जब आप अपने बटन से ऑन करोगे, तो उसके बाद में क्या होता है, पीछे से आपके एग्जॉस्ट में से साउंड जो होती है वो लाउड हो जाती है, जबकि जब आपकी नॉर्मल साउंड होती है वो नॉर्मल रहती है, जब उसको ऑफ करते हो तो आपकी गाड़ी नॉर्मल हो जाती है। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, ये अपनी बलिनो है भाई, कुछ कह रहा जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये मतलब हर चीज कॉपी लगी है मेरी, अभी व्हील्स कल लगेंगे वो भी कॉपी है। अब भाई साहब आप भी तो कॉपी करने वाले हो, कुछ टाइम बाद पे धर्राटे काटेगी। तो गाइस फाइनली लग चुका है अपनी गाड़ी के अंदर, और गरजोत भाई ने अपनी गाड़ी के अंदर जो काम करा भाई अल्टीमेट करा है। अभी गरजोत भाई से भी मिलवाऊंगा आप लोगों को, पहले अपनी गाड़ी के अंदर साउंड है वो चेक करेगा हमारा भाई। अभी ऑफ है ये, ऑन करा जाए।
देखा कि हमारी जो एग्जॉस्ट नोट है वो सेकंडों के अंदर चेंज हो जाती है। आप लोगों ने ऑन ऑफ का बटन है वो करना पड़ता है। इसके अंदर एक और मैनुअल ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक का, आप उसको टिक ऑटो मोड है ना, वो आपके ड्राइविंग स्टाइल को देख के बताता है कि आपको किस हिसाब से चाहिए। जैसे पेडल लोगे, जैसे आरपीएम लोगे तो वैसे उसका साउंड निकल जाएगा। तो इजी है, मेरा भी ये वाला रिमोट है, इसका बैटन है, यहाँ से ऑफ है, यहाँ से ऑन है। तो जो टेक्निकल पार्ट है, जो फिटमेंट का पार्ट है, जो भी डेप्थ है, वो गुरजोत भाई पर बता देंगे। अभी आप लोग मिलवाते हैं गुरजोत भाई से। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, शॉप के ओनर है सैलेंसर हाउस की, जो कि हमारा कनॉट प्लेस के अंदर है। तो गुरजोत भाई है। तो गुरजोत भाई, आपने हमारी गाड़ी के अंदर किस तरीके से एग्जॉस्ट लगाया, कौन सा बेल्ट पाइप लगाया, किस प्राइस रेंज के अंदर ये मिल जाएगा, कौन कौन सी गाड़ी में ये लग सकता है, वो थोड़ा बता दीजिए। तो जो वॉल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट है वो बेसिकली सारी पेट्रोल कार्स के लिए अवेलेबल होता है। डीजल के अंदर सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि डीजल के अंदर इतनी साउंड आती है। प्लस हमने जो भैया की कार के अंदर सेटअप करा है वो हमने पूरा स्टेनलेस स्टील सेटअप करा है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील 304 मटेरियल। उसके अंदर हमने कैटबैक स्ट्रेट पाइप करा है, नॉन रेजोनेटेड, जिसके अंदर कोई रेजोनेटर नहीं है, पूरा स्ट्रेट पाइप होगा। और एंड में वॉल्वेट्रॉनिक एंड कैन, अभी टिप्स वगैरह नहीं लगाई है, वो आगे फ्यूचर प्लान है। फ्यूल इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है इसका? डिपेंड करता है कि आप ड्राइविंग कैसे करते हो। अगर आप अच्छी चलाओगे तो आपकी बढ़ भी सकती है, अगर आप ज्यादा रैश ड्राइविंग, जितनी गियर शिफ्टिंग होगी उतनी तेज गिरेगी। सो ये अपनी बलिनो है। तो बलिनो के अंदर भी क्या है, आगे से लेकर हमारा पीछे तक का एक पाइप है वो इंस्टॉल हुआ है, और देन उसके बाद में जो हमारा वेल्वोट्रॉनिक है, वेल्वोट्रॉनिक की प्लेसमेंट हुई है हमारी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हमारा वेल्वोट्रॉनिक है वो हमारी प्लेसमेंट हुई है इधर की तरफ। अब लोग, आप लोग ये सोचोगे कि मैं इसके अंदर जो बंपर है वो चेंज कराने वाला था, तो गाइस बिल्कुल मैं इसका जो बंपर है वो चेंज कराऊंगा। तो इसीलिए मैंने क्या है, नीचे की तरफ इसका जो वेल्वोट्रॉनिक है वो इंस्टॉल कराए। आप जैसे कि देख पा रहे हो बम्पर चेंज हो जाएगा, तो आप लोगों को एक नया लुक के अंदर देखने के लिए मिलेगी। एक्रोपॉविक की टिप देखने के लिए मिलेगी, जो कि हमारी एक वर्किंग होगी, एक विदाउट वर्किंग होगी, जो कि हमारा होने वाला है सैलेंसर हाउस के ऊपर ही। हमारा जो काम है वो पूरा का पूरा देखने के लिए मिलेगा। अब क्या है, अब अपनी गाड़ी को बाहर लेके जाएंगे और चेक करेंगे ले जाने के बाद में किसके अंदर जो साउंड है वो किस तरीके की साउंड हमारे को सुनने के लिए मिलती है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये मेरे पास में रेमस का एक वेल्वोट्रॉनिक है, और इसमें अंदर आप लोगों को बताता हूँ वेल्वोट्रॉनिक किस तरीके से काम होता है। जैसे कि आप लोग इसके ऊपर एक वॉल्व देख रहे हो, जब आप रिमोट को इसको ऑन करते हो, ये देख पा रहे हो ये वॉल्व होता है, ये प्रेशराइज्ड होता है। ये जब इसके अंदर प्रेशर आता है, इसके अंदर एक असेंबली होती है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। प्रेशर आएगा तो ये क्या होगा, इसके अंदर एक कमांड जाएगा, कमांड जाने के बाद में जो इसके अंदर जो वॉल्व है वो खुल जाता है, तो फिर आपकी जो साउंड है एग्जॉस्ट की वो लाउड हो जाएगी। जब आप इसको ऑफ कर दोगे, ये वाला आपकी जो टिप है ये ऑफ हो जाएगी, उसके बाद में जो ऑन होगी ये टिप ऑन हो जाएगी, जो आपकी जो एग्जॉस्ट की नोट है बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी की तरह हो जाएगी। तो ये होता है हमारा वेल्वोट्रॉनिक। तो आप लोगों को पता चल गया होगा वेल्वोट्रॉनिक होता है क्या चीज़ है। तो इसके अंदर काफ़ी ब्रांड्स आती हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो रेमस का आता है, बोरोरा आता है, और काफ़ी ब्रांड है अलग अलग आता है, और आप लोगों को ये लोकल में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्या होता है, इनपुट होता है, ये हमारा आउटपुट होता है। तो एग्जॉस्ट की एयर यहाँ से इन होगी, तो यहाँ से हमारा आउट हो जाएगा, तो ये हमारा इनपुट, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो वेल्वोट्रॉनिक है वो काम करता है, और आप लोगों को पता चल गया होगा कि वेल्वोट्रॉनिक किस तरीके से काम करता है। अभी आप लोगों को इसकी असेंबली दिखाऊंगा, असेंबली किस तरीके से होती है। सो ये जितना भी काम करती है ये सारी, ये इस मशीन का कमाल होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके अंदर किसी तरीके की वायरिंग है वो नहीं जाती, जो काम करता है ये पाइपिंग के थ्रू करता है। तो जैसे कि आप लोगों को दिखाया था मैंने, वेल्वोट्रॉनिक के अंदर भी एक पाइपिंग होती है जो कि हमारा होता है, और ये वायरलेस होता है। इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हो मेरे हाथ में ये रिमोट है, ये इसका रिमोट मिलता है आप लोगों को इस मशीन के साथ में, और ये पूरी की पूरी वायरलेस मशीन होती है। जबकि आप लोगों को इसको कनेक्ट करना पड़ता है अपनी बैटरी से, अपनी गाड़ी की 12 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्ट हो जाता है, और रिमोट से ही ये ऑन ऑफ हो जाता है। जितना भी काम हुआ है हमारे सैलेंसर हाउस पे हुआ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस वगैरह सब आ रहा होगा, और बाकी अपनी बिल्लो तो सामने है, देखो बोलो बिल्लो, बहुत बढ़िया, सही हो, एकदम लुक आ गई अपनी गाड़ी की, मजा आ गया। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, क्या बोलते हो, अभी सुनाएंगे। बहुत बढ़िया, बेहतरीन,
लगा आपको? जनता से पूछो। गजब हो गया ये तो। गजब। जनता बावड़ी होगी। देखो जनता आ गई यहाँ पर देखने के लिए। गजब ही काम हो गया भाई, मतलब एक तरफ हार्ले और एक तरफ अपनी बलिनो। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे ज्यादा साउंड आप लोगों को किसकी सुनाई दे रही है। ब्रेजा तो है ही नहीं। ब्रेजा तो है ही नहीं। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया हमारी बलिनो के अंदर लग चुका है पूरा उसका पूरा वेल्वेट्रॉनिक। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में। होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय। कल टायर लग जाएंगे, कल टायर लग जाएंगे। कल नए टायर लगेंगे, मजा आएगा भाई बहुत। तो मैं इसमें चला दूंगा इसको। ये टायर नहीं लगेंगे, अलॉय लगेंगे यार। पूरा नया खर्चा। नया खर्चा होने वाला है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अलॉय चेंज होंगे बस इसका। मजे ले रहे हैं। ऐसा होना चाहिए ना। हाँ जी भाई, सही बात है जी भाई। शादी फील्स इनकी आ रही है। इसकी भाई की हो जाइए पहले। डिस्क्लेमर, कोई तो कराओ यार।